इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन की कमी से जो मेल न्यूट्रिशन हो जाते हैं वो है, वो इंपॉर्टेंट है। दो है, क्वासियोर कर एंड मेरिस्मस, दोनों में डिफरेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वासियोर कर में जो चिल्ड्रन जिनके अंदर होता है वो एक ईयर से ज्यादा एज होता है उनका, जबकि मेरिस्मस के अंदर एक ईयर से छोटे वाले चिल्ड्रन आते हैं। उसके बाद में है, यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता है, यहाँ पर प्रोटीन और कैलोरी कार्बोहाइड्रेट दोनों का डेफिशिएंसी हो जाता है। यहाँ पर एक्सटेंसिव एडेमा आता है, यानी कि बॉडी में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। यहाँ पर कोई एडेमा नहीं आती, यहाँ पर स्वेलिंग जैसे करेक्टर नहीं आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कुछ ज्यादा पूछता है। उसके बाद में है सबक्यूटेनियस फैट, जो यहाँ पर यानी कि जो पेट के नीचे देखते हैं तो मोटापन आता है ऐसे, तो लेकिन यहाँ पर सबक्यूटेनियस फैट यहाँ तो प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर डिसअपीयर हो जाती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दुबलापन है, बहुत पतलापन है, यहाँ पर सबक्यूटेनियस फैट एब्सेंट हो जाती है। यहाँ पर मसल्स की वेस्टिंग वगैरह होती है और जो लिम्स होते हैं वो पतले हो जाते हैं, वो लिम्स तो यहाँ भी पतले हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल जो एमिसिएशन ऑफ द बॉडी यानी कि बाहर से पतलापन बहुत ज्यादा नजर आता है यहाँ पर मेरिस्मस के अंदर। यहाँ पर जो स्किन होती है वो अपीयर टू बी स्वेलन, बता चुके हैं स्किन में स्वेलिंग आ जाती है और यहाँ पर स्किन ड्राई नजर आती है, रिंकल्ड नजर आती है। क्वासियोर कर के अंदर अंडरवेट चिल्ड्रन होते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा ही पतले, बहुत ज्यादा ही दुबलापन आ जाता है। इंपॉर्टेंट है कि दोनों में ही क्वासियोर कर और मेरिस्मस दोनों के अंदर ही फिजिकल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट दोनों ही रिटार्डेड हो जाते हैं, दोनों ही अफेक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद में है कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि 1 ग्राम मैं फूड को मैं बर्न कर रहा हूँ, बर्न करने के लिए बम कैलोरोमीटर यूज करते हैं अपन, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के अंदर, तो बम कैलोरोमीटर में जब अपन कंबक्शन करते हैं तो जो 1 ग्राम से जो हीट निकलती है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू GCV कहलाती है। एक होता है फिजियोलॉजिकल वैल्यू, यानी कि हमारी सेल के लिए वो कितनी एनर्जी की तरह काम कर रही है। मान लीजिए कि मैंने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो वो निकालेगा हीट 4.1 बम कैलोरीमीटर के हिसाब से, लेकिन हमारी सेल के लिए जो यूटिलाइज होगा वो 4.0। ऐसे ही प्रोटीन का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 5.65 है लेकिन हमारी सेल के लिए तो 4.0 ही है। तो आप कार्बोहाइड्रेट खाएं चाहे प्रोटीन खाएं, दोनों का सेल के लिए जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है वो 4 ही रहता है। फिर बात करते हैं फैट की, फैट का GCV 9.4 होता है जबकि सेल के लिए जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है वो 9 होता है, यानी कि फैट के लिए सबसे ज्यादा होता है।